डियर स्टूडेंट्स, ये एनपीओ का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में ये समझा था कि एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग क्या होता है, उसे कंसेप्ट समझे थे। उसी के अंदर हमने एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स के बारे में समझा था कि एनपीओ के अंदर फाइनल अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े अलग होते हैं। उनमें नंबर 1 पे बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो एक और अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अलावा बैलेंस शीट बनती है। तो इस अंग से जो पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमने लेक्चर नंबर 2 में उसके कंसेप्ट समझे थे। लेक्चर नंबर 3 में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के लिए एक क्वेश्चन लेके हमने उसको करके देखा था कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, आज हम समझ रहे हैं एक और अकाउंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह बनता है, जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है वैसे यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इसमें जितनी भी इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड में आती है, जैसे कि अकाउंट का कंसेप्ट होता है कि क्रेडिट टू इनकम्स, तो जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट में आ जाएगी, जितनी भी एक्सपेंडिचर से वो डेबिट में आ जाएंगे। इस ढंग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। देखिए इसका फॉर्मेट कि जितने भी एक्सपेंडिचर, ये डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड हो गई, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देंगे, इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर से डेबिट में आ जाएंगे, ऐसे ही जो इनकम से क्रेडिट साइड में आ जाएगी, कॉलम का हेडिंग हो जाएगा इनकम और सारी इनकम क्रेडिट हो जाएगी। इस ढंग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर डेबिट में तो इनकम्स क्रेडिट में आती है, ये कंसेप्ट है इसका। ठीक, अगली चीज पे आते तो हेडिंग रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके सेकंड लाइन में लिखा जाता है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब ये एक साल का अकाउंट हुआ। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये पीरियडिकली बनता है, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनता है, यूजुअली ईयरली होता है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर द ईयर लिखा था। अगर सिक्स मंथली बनता है तो फॉर सिक्स मंथ ऐसा लिख देंगे, अगर कोई क्वार्टरली बनाना चाहे फॉर दी क्वार्टर ऐसा लिख देंगे। तो इस ढंग से जिस क्वार्टरली बन रहा है फॉर दी क्वार्टर, सिक्स मंथली बन रहा है फॉर सिक्स मंथ, ईयरली बन रहा है फॉर दी ईयर ऐसा लिख देंगे, यूजुअली फॉर दी ईयर बनता है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, मतलब जिस पीरियड के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं वो एंड कब हो रहा है, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से ये हेडिंग होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उसके आगे जो डेट दी हुई है, डेबिट में एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे तो क्रेडिट में इनकम आ जाएगी, ये होता है। अब कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि रेंट दिया हुआ है, तो रेंट एक एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे, रेंट एक एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। ऐसे ही मान लो कि वेजेस दिया हुआ है, वेजेस भी एक एक्सपेंडिचर होता है, डेबिट में आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हुए तो डेबिट में आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट में आ जाएंगे। ऐसे ही मान लो हायर अप ग्राउंड दिया हुआ है, मतलब कि सोसाइटी के पास कोई ग्राउंड होगा उसका रेंट मिला है, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय हायर ऑफ ग्राउंड, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही मान लो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो इनकम हुई तो उसको भी हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसे ही मान लो कि हमको इंटरेस्ट फीस मिली, अब इंटरेस्ट फीस क्या होता है वो सोच के देखो, तो जो क्लब के मेंबर्स होते हैं ना, क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो जब एडमिशन लेते हैं क्लब के अंदर, क्लब में जब एडमिशन लेते हैं तो उनसे एडमिशन फीस यानी कि इंट्रेंस फीस ली जाती है, इंट्रेंस फीस ली जाती है यानी ये इनकम हुई, तो इस बेसिस पे ये इनकम है तो ये इनकम साइड में आएगी। लेकिन इसमें एक ये भी है कि अगर ये बहुत रेयरली मिलने वाली इनकम है उस सोसाइटी या उस क्लब के लिए जिसके हम अकाउंट बना रहे, तो फिर यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि कैपिटल आइटम क्या होती है, मोर देन वन ईयर से कनेक्टेड होती है, वो कैपिटल आइटम होती है, तो फिर यहां नहीं आएगी।
अगर ये रेगुलर मिलने वाली एक इनकम है, हमेशा मिलती रहती है, इस टाइप की इनकम अगर हम इसको मान रहे हैं तो इसको फिर इनकम साइड में लिख देंगे। अब ऐसे ही तो ये इंट्रेंस फीस आप इनकम में लिखना चाहे तो इनकम में लिख सकते हैं, इसको कैपिटल आइटम अगर आपको मानना है तो इसको इनकम में फिर नहीं लिखेंगे, दोनों अपने हाथ में है। तो इनकम में लिख देंगे बाय इंट्रेंस फीस। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन, मान लो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से दिया हुआ है, तो पहली बात तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है, ये जो क्लब होते हैं, क्लब के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल मेंबरशिप फीस पे करते हैं, जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इस ढंग से सब्सक्रिप्शन जो है ये एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस के नाम पर पैसा मिला है। तो इस ढंग से सब्सक्रिप्शन एक इनकम हुई, यानी यानी इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय सब्सक्रिप्शंस, ऐसे लिख देंगे हम। ऐसे ही मान लो कि लीगेसी दी हुई है, क्या दिया हुआ है लीगेसी। तो लीगेसी क्या होती है, लीगेसी जो है ना, ये जब किसी की डेथ होती है तो उसके विल के अकॉर्डिंग वो मिलता है पैसा। तो अगर किसी की डेथ हो गई, उसने अपने विल में लिखा था, उसके अकॉर्डिंगली इस ट्रस्ट को उसके मरने के बाद उसका पैसा मिला है, तो ये है लीगेसी। तो ये इनकम हुई, पर ये इनकम बहुत रेयर होने वाली इनकम होती है। तो जो रेयर इनकम्स होती है उनको कैपिटल आइटम माना जाता है। तो ऐसे में इसको हम इनकम में न लिखते हुए इसको कैपिटलाइज कर देंगे। अब कैपिटलाइज करते हैं तो उसका मतलब क्या, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में चीजें हम समझेंगे। यहां पे सिर्फ मैं छोटे से बेसिक चीज समझा रहा हूं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, अभी मैं दूसरी चीजों को नहीं उठा रहा हूं जो इससे कनेक्टेड है, वो आने वाले टाइम में लूंगा मैं। तो लीगेसी इनकम जरूर है, पर ये रियल होने वाली इनकम है, कैपिटल आइटम मान के कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, जो इनकम्स होती है वो इनकम साइड में, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में यानी डेबिट साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पर एक बात और, रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड। तो रिसीव साइड में से इनकम ढूंढ ढूंढ के इसमें लिखना है, तो इसका मतलब ढूंढ ढूंढ के लिखना है, इसका मतलब कुछ चीज छूटेगी। तो छूटेगी क्या, तो सिंपल सी बात है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे बन रहा है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब मान लो कि रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। तो या सोचो, सेल ऑफ फर्नीचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता था क्या, नहीं आता था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं आएगा, ये उसी की जगह बन रहा है अकाउंट। जैसे पेमेंट साइड में बिल्डिंग परचेस लिखा हुआ है, तो याद करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिल्डिंग आती थी क्या, नहीं आती थी, तो यहां पे भी नहीं आएगी। तो इस ढंग से जो रेवेन्यू आइटम से वो हमको इसमें लिखनी है। रेवेन्यू आइटम मतलब जो सिर्फ एक साल के अंदर की होती है और जो इसी साल की होना चाहिए वो इसमें लिखेंगे। मैंने दो बातें बोली कि रेवेन्यू आइटम्स लिखनी है का मतलब जो एक साल से कनेक्टेड है। फिर साथ में एक और बात बोल दी कि जो इसी साल से कनेक्टेड हो, सिर्फ वही इनकम और एक्सपेंडिचर इसके अंदर लिखना है। इस बात को हम धीरे धीरे बार बार मैं इस पॉइंट को वापस समझाऊंगा कि इसी साल की होना चाहिए और एक साल के अंदर के आइटम होना चाहिए तो यहां आएगी। इस पॉइंट को मैं बार बार कुछ क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहली बात तो मैंने कवर करी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको एक्सपेंडिचर ढूंढ के लिख देना है डेबिट में, इनकम से ढूंढ के क्रेडिट में लिख देनी है। इस से सारी इनकम और एक्सपेंडिचर लिखने के बाद क्या करना है, उसके बाद हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दोनों साइड का टोटल लगाना है। दोनों साइड का टोटल लगाने के बाद में फिर डिफरेंस देखना है कि किस साइड आ रहा है। मान लो 2 मिनट के लिए कि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। अब डेबिट में डिफरेंस आ रहा है का मतलब क्या हुआ, जरा सोच के देखो। डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका मतलब इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है। मान लो डेबिट में 5,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि इनकम में से, इनकम के टोटल में से सारे एक्सपेंडिचर एडजस्ट करने के बाद इतनी इनकम बच गई। मैंने क्या बोला, बात को रिपीट करता हूं, सारी इनकम लिखने के बाद, सारे एक्सपेंडिचर लिखने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे,
डिफरेंस निकालेंगे, जिस साइड कम है उधर लिख देंगे। मान लो कि डेबिट में कम है और मान लेते 5000 रुपीज़ कम है, तो इसका मतलब क्या कि सारी इनकम के टोटल में से सारे एक्सपेंडिचर का टोटल एडजस्ट करने के बाद इतना पैसा हमको एक्स्ट्रा मिला है, इतना सरप्लस है हमारा, इतनी इनकम बच गई। तो जितना पैसा हमको इनकम का सरप्लस है ना, जितना पैसा बच गया ना, उसको सरप्लस बोलते हैं, तो उसको सरप्लस के नाम से लिख भी देंगे। तो इस अंक से अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो उसको हम सरप्लस लिख देंगे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, जो डिफरेंस होता था उसको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नाम से लिखा जाता था, लेकिन NPO के अंदर इसको सरप्लस के नाम से लिखेंगे, या फिर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इतनी इनकम एक्सपेंडिचर से ओवर है वो भी लिख सकते हैं हम। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, इनकम इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं सरप्लस या इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऐसे ही मान लो कि अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो क्रेडिट साइड में जितना भी डिफरेंस आ रहा है लिख देंगे। मान लो दोनों के लिए क्रेडिट में 2000 रुपीज कम आ रहा है, डिफरेंस डेबिट क्रेडिट में आ रहा है, तो अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है मतलब क्या कि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, इसलिए क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा है, इनकम कम है, मतलब ये लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया, तो इसको इसको डेफिसिट के नाम से लिखा जाएगा। तो ये इस ढंग से, अगर डेबिट में डिफरेंस आया था तो सरप्लस के नाम से, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो डेफिसिट के नाम से लिख देंगे। डेफिसिट यानी क्या था, एक्सपेंडिचर जो है वो कितने ओवर हो रहे हैं। तो इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं हम कि एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम, यानी इतने एक्सपेंडिचर इनकम से ओवर है, तो डेफिसिट लिखो या एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंडिचर लिखो, या फिर डेबिट में डिफरेंस आया तो सरप्लस लिख दो, या इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिख दो, वो डिफरेंट लिख के लिख देंगे और दोनों साइड का टोटल मिला लेंगे। इस तरीके से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम समझेंगे कि कैसे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये वाला लेक्चर और वो अगला लेक्चर दोनों देख लोगे तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खुद भी बना पाओगे। तो अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे बनाना है और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।